जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। क्या होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और कैसे हुआ शराब बंद जब थाने में ही हो रही शराब की हेराफेरी। कुचायकोट थाना के हो रहे वायरल वीडियो का सच जानने के लिए डीजीपी के निर्देश पर कुचायकोट थाना के जांच शुरू होते ही थाना अध्यक्ष रितेश कुमार भूमिगत हो गए। साथ ही जिस दिन वीडियो वायरल हुआ उस रात ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। उनके चालक और चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने कुचायकोट थाना के चौकीदार और पुलिस कर्मी को जांच पूरा नहीं होने तक थाना नहीं छोड़ने का हिदायत दी गई है। कुचायकोट मालखाने में जब्त कर जांच की गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, एएसआई अशोक यादव, चौकीदार मुन्ना सिंह व पुलिस जीप के प्राइवेट ड्राइवर अमित कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पूर्व थाना अध्यक्ष रितेश कुमार को निलंबित करते हुए रितेश कुमार सहित अन्य 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मालखाना के जांच के दौरान 50 लीटर विदेशी शराब कम मिली, वहीं 50 लीटर स्पीड अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, चौकीदार मुन्ना कुमार को जेल भेज दिया गया है। मालखाने में जहां विदेशी शराब का कम होना और स्पीड का बढ़ जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वायरल वीडियो का सच कुचायकोट थाना पर लगे आरोप वाकई गंभीर जाँच का विषय है। कुचायकोट थाना से एक वायरल वीडियो हुई थी, उसके जाँच के बाद उसमें एक एसआई अशोक कुमार यादव और चौकीदार मुन्ना कुमार राय को जेल भेजा गया है। घटना सत्य पाया गया है, थानेदार फिरार है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे मामले में क्या और भी थानों पर कार्रवाई की जा सकती है? जिसके विरुद्ध भी शिकायत आएगी हम लोग जांच कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। जो भूमिगत चल रहे हैं पूर्व थाना अध्यक्ष, इस पर किस टाइप की कार्रवाई अभी चल रही है? उनको खोजा जा रहा है, जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ भी रहेंगे गिरफ्तार किया जाएगा। जरा देखा लाइट अभी चेंज हो मनो नहीं खींचे पिछला घर लोग चांद मेडिको स्पेशल शॉप पर वेटनरी मेडिसिन, खुदरा दवाइयों पे भी 10-15% की भारी छूट। पता चांद मेडिको एजेंसी, फैज कॉम्प्लेक्स, दरगाह रोड, गोपालगंज। प्रोपराइटर डॉक्टर अब्दुल रहमान। जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ।